तंत्र वाद्यों में सबसे प्राचीन वाद्य वीणा है। वीणा का वर्णन यजुर्वेद में मौजूद है। इस देश के लोगों के जीवन में वीणा की जबरदस्त सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका रही है। संगीत के पुराने शास्त्रीय ग्रंथों या साहित्यिक रचनाओं से इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वैदिक युग से ही इस वाद्य को अपनाया गया और इसे एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हुआ। वीणा वैदिक परंपरा का अभिन्न अंग था। इस वाद्य को अत्यधिक पवित्र समझा जाता है क्योंकि इस वाद्य को हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ भी चित्रित किया जाता था। ऐसा नहीं है कि ये परंपरा केवल वैदिक युग तक ही सिमट कर रह गई, बल्कि वैदिक युग के बाद भी वीणा रामायण, पौराणिक और शास्त्रीय साहित्य में एक सम्मानित संगीतीय वाद्य के रूप में स्थापित रहा। वीणा वैदिक युग का साज है और वेदों में जो मंत्र और ऋचाएं जो बोली जाती हैं वो स्वरों में बोली जाती हैं। जैसे कि तीन स्वरों की जो वैदिक मंत्र हम लोग देखने में आता है वो जैसे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, शन नो मित्र शन वरुण शन नो भवत्यमा। तो ये जो है ये तीन स्वरों पे के ऊपर जो है ये मंत्र चलता है। इसी तरह से इन मंत्रों को बोलने उच्चारण के समय वीणा का भी बजाने का रहा है, इसमें चलन रहा है। आजकल इतना प्रचलित नहीं है लेकिन पुराने ज़माने में ज़रूर था। और सामवेद में जो साम वेद के जो गान होता था वो उसमें वीणा भी बजती थी। वेदों में वीणा का उल्लेख तो है ही, सरस्वती का भी उल्लेख है और उपनिषदों में तो वीणा का इस तरह से उल्लेख है कि उसको उसकी डांड को हम लोग की रीढ़ की हड्डी के से तुलना की गई है और इसकी जो सारिकाएं हैं वो वर्टिब्रे से तुलना की गई है। तो जिस प्रकार से रुद्रवीणा की डांड स्पंदन करती है उसी तरह से जो है हमारी रीढ़ की हड्डी जो है और हमारे स्पाइनल कॉलम जिसे कहते हैं वो भी स्पंदन करती है। और जब हम बजाते हैं इस वीणा को तो दोनों में एक समन्वय स्थापित होता है और जिसकी वजह से वीणा एक बहुत ही स्पिरिचुअल साज माना गया है। वैदिक युग में ये वाद्य कई रूप में मौजूद था। वैदिक साहित्य में लगभग 14 वीणाओं का उल्लेख है। इस वाद्य की शुरुआत कब और कैसे हुई? वीणा वादन में अंगुली चालन तकनीक का ज्ञान बेहद जरूरी है। वीणा से ध्वनि उत्पादन के लिए दाहिने हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी ओर कलाकार संगीत उत्पन्न करने के लिए बाएं हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करता है। वीणा वादन के लिए इस तरह की शैली अतीत में भी रही थी और इस समय भी इसी शैली का अनुसरण किया जा रहा है। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से गुरु अपने शिष्य को वीणा वादन की शैलियों की जानकारी देते थे। वीणा वादन के लिए अंगुली चालन के बाद जरूरी है समस्वरण यानी ट्यूनिंग और सारिका विन्यास। रुद्र वीणा को जो वज्रासन में हम उसको बजाते हैं उसमें हम कंधे पे रखते हैं और उसके बाद फिर ये हमारा जो अंगूठा जो होता है वो डांड के नीचे आ जाता है जैसे सितार में आता है और ये अंगूठा हमारा इधर आ जाता है तोंबे जहाँ तोंबा लगा होता है उसके ऊपर आ जाता है। और
इसको बजाने का तरीका है कि आप प्रेस करते हैं जहाँ पर ये सारिका है वहाँ पर, तो रुद्रवीणा को बजाने का तरीका तीन उंगलियों से है, पहली, दूसरी और ये तीसरी। इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं डागर परंपरा में करते हैं, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा पोजीशन हमारा जब नीचे बैठने का होता है वो अलग हो जाता है, इसकी वजह से हम ये वाली उंगली भी इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली हमको जब बास स्ट्रिंग्स करना, तो क्योंकि उसमें रीच हमारी आसान हो जाती है। तो लेकिन बाकी सब परंपराओं में रुद्रवीणा को बजाने का तरीका यही है। और हम लोग जो बेसिक बजाते हैं वो यही है, डाड़ा 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 डाड़ा, और इसमें जे डाड़ा 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 डाडड़ डाड़ा डाडड़ डाड़ा, तो इसमें दारा दारा जिस तरह से होता है उसमें सितार में होता है, उसी तरह से इसमें डाड़ा डाड़ा होता है, और ये चिकारी होती चिक, डाड़ा डाचिक डाड़ा डाचिक डाडड़ डाड़ा डाडड़ डाचिक, तो इस तरह से बहुत मिजराब के इसके जो हैं आपके पैटर्न्स होते हैं जो खानदानी भी हैं और लोग बजाते भी हैं। वीणा ट्यूनिंग की जो शैली आज स्थापित है वो हमें अतीत से विरासत में मिली है। ट्यूनिंग के लिए तीन शैलियां मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाती हैं, मतलब शुद्ध मेल वीणा, मध्य मेल वीणा और अच्युत राय मेल वीणा। इसी प्रकार सारिका विन्यास यानी वीणा के फ्रेटिंग की शैलियों का विकास बहुत पहले हुआ। फ्रेटिंग के लिए आज भी उसी शैली का अनुसरण किया जा रहा है। फ्रेटिंग ऐसी शैली है जिसे समझने के लिए वीणा वादक को वीणा की तारों की स्थितियों की जानकारी बेहद जरूरी है। यदि आप तारों की स्थितियों से परिचित हैं तो इस शैली से आप अधिक स्वर हासिल कर सकते हैं। वीणा वादन और उसके विकास की कई अवस्थाएं सामने आईं। खुले तार वाली वीणा से लेकर दंड और तुम्बे वाली वीणा तक का विकास हुआ, जिस पर एक ही तार पर सभी स्वर उत्पन्न किए जा सकते थे। सही मायने में ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। वीणा वादन के लिए नखी शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे हम मिजराब कहते हैं।